Okay, so today among the some important topics we will study a general lecture of the Gaussian curve. ठीक है, दो के इस लेक्चर में हम कुछ और भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, बट द मेन फोकस विल बी ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बेलशेव कर्व और गॉसियन कर्व. सभी एक ही पॉइंट के डिफरेंट नेम्स हैं. जो स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे साथ, ठीक है, वो टू टाइप्स की होती है. या देट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, या देट इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, या इसको हम कहते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है. और जो थर्ड होता है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आगे जाके हम पढ़ेंगे. अच्छा, मीन हम सबको पता है कि मीन इज द सम ऑफ वैल्यूज. जो जितने वैल्यूज होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे. तो हमारे साथ जो आ जाता है दैट इज द मीन वैल्यू, ठीक है. और मीन वैल्यू को आप कह सकते हैं कि इट्स अ सोफिस्टिकेटेड टर्म फॉर द एवरेज. द अदर वन इज मीडियन. सो ये मीडियन जो है ये मिडिल वैल्यू होती है. ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है. और मोड जो होता है ये होता है द मोस्ट कॉमन वैल्यू या फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू, ठीक है. सो द मोस्ट कॉमन वैल्यू जो होता है वो होता है मोड. लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे मीन का ले लेता हूँ कि देर आर वैल्यूज लाइक 2 + 3 + 5. तो ये 3 वैल्यूज हो गए, इसको 3 पे डिवाइड करो तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे साथ होगा मीन, ठीक है. जो मीडियन है वो इसका 3 है. और मोड अगर इसका बनाते हैं तो एक वैल्यू हम इसमें डबल कर देंगे, लेट सपोज 5. तो 5 फ्रिक्वेंटली रिपीटेड है या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो ये इसका हो जाएगा मोड. सो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, किसी और लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह. लेट्स कम टू द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन. वेरिएबिलिटी ये है कि आपके साथ एक डिफरेंट वैल्यूज होते हैं उसमें हम वेरिएबिलिटी डालते हैं. लेट सपोज हम फर्स्ट ले लेते हैं रेंज. तो लेट सपोज 1, 3, 5, 7 और 8, ये हमारे साथ इतने सारे वैल्यूज हैं. तो अगर हम इसका रेंज मालूम करें तो सबसे बड़े वैल्यू से सबसे छोटा वैल्यू माइनस कर लेंगे तो इससे हमारा आ जाएगा इसका रेंज. लेकिन रेंज का मसला ये है कि इट इज नॉट द ट्रू मेजर्स, बिकॉज इसमें वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है. सो द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है आज हमारे साथ दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन. सो लेट्स मूव टू द बेल शेप कर्व एंड एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड डिविएशन विद दैट कर्व. सो नाउ आवर बेसिक एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द बेल शेप कर्व. सो यू कैन सी दिस इज ए परफेक्टली सिमेट्रिकल बेल शेप कर्व, ठीक है. एंड जो सेंटर है इसका जो पीक से साथ कोइंसाइड करता है दैट इज द मीन, जो कि एक्स बार से रिप्रेजेंट किया है हमने, ठीक है. और इसके इधर साइड इसकी तरफ मतलब टू द राइट साइड अगर वैल्यू जाएगी तो ये बढ़ेगी, और टू द लेफ्ट साइड अगर वैल्यू जाएगी तो ये कम होगी, ठीक है. नाउ मैं इंशाल्लाह आपको ये समझा देता हूँ. दूसरा ये कि इसके ऑन ईदर साइड जितने भी वैल्यूज हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द रेंज ऑफ 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं इसके 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में आ जाती हैं, ठीक है. इसको मैं एस से लिख देता हूँ 1. फिर यहाँ तक जो वैल्यू है वो 2nd स्टैंडर्ड डिविएशन में आएगी, और यहाँ तक जो वैल्यू है वो 3rd स्टैंडर्ड डिविएशन में आएगी, ठीक है. और उसके आगे 4, फिर जितने भी ले जा सकते हो, लेकिन कन्वेंशनली 3 तक जाएगी, क्योंकि उसके बाद वैल्यूज जो है वो पैरेलल में जाएगी. आगे जाके हम इंशाल्लाह आपको समझा देंगे. अगर इस तरफ आएंगे तो ये माइनस में जाएगी, तो ये -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है. अच्छा, ये याद रखें कि ये जो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का एरिया है, वैल्यूज जो मीन के ऑन ईदर साइड 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये हमारे साथ जो एरिया रिप्रेजेंट करेगी दैट विल बी 68%, ठीक है. अच्छा, अगर हम इनको 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक बढ़ा दें, लेट सपोज यहाँ तक ले आए ये एरिया ऑन ईदर साइड, तो ये जो एरिया रिप्रेजेंट करेगी दैट विल बी 95%. और अगर और हम 3rd स्टैंडर्ड डिविएशन तक ले आए जैसे कि ये है, तो ये जो एरिया कवर करेगी, ठीक है, दैट विल बी 99.7%, ठीक है. अच्छा, इसके बाद भी आप 4 और 5 दीजिए, लेकिन वो इस कर्व को आगे ऐसे लेते जाएगी और कर्व को चेंज नहीं करेगी. और ये भी याद रखें कि ये कर्व जो है ये कभी भी ये
एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। बॉस बुक्स में इसको टच करके दिखाया हुआ होता है, सो देट इज नॉट ए कंसेप्ट, क्योंकि ऑनवर्ड देर इज नो लिमिट, आप जितने भी जाओ, लेकिन कन्वेंशनली हम मीन के इर्द जितने भी वैल्यूज हैं उसको हम इन तीन स्टैंडर्ड डिविएशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर उनसे वैल्यू कम करनी हो तो इस तरफ आते हैं, वैल्यू ज्यादा करनी हो तो उस तरफ जाते हैं। एंड आगे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें आपको ये क्लियर हो। सो इन एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वन स्टैंडर्ड डिविएशन इन 68%, सेकेंड में 95% एंड थर्ड में 99.7%। सो विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन 68% वैल्यूज, within two standard deviation 95% values, and within three standard deviation 99.7%। और याद रखें एग्जाम में आपसे जो एग्जांपल्स पूछेंगे वो तो या मेनली हाइट के बारे में होंगे, ठीक है, या वेट के बारे में होंगे, या मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्लड प्रेशर के बारे में होते हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स सम एग्जांपल्स। सो हमारा एग्जांपल नंबर 1 जो है, वी विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट विद द परसेंट ऑफ द मार्क्स अचीव्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट, लेट्स सपोज एनाटॉमी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक बिल शेप कर्व बना देंगे, ये हो गया हमारा नॉर्मल बिल शेप कर्व, और फिर इसका एक सेंट्रल लाइन खींचेंगे जो हमारे साथ मीन हो जाएगा, ठीक है। तो मीन मार्क्स जो है हम वो 50 ले लेंगे, और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका ले लेंगे 15। तो 15 का मतलब ये है कि अगर हम वन स्टैंडर्ड डिविएशन पे आ जाएंगे इस तरफ, तो इस तरफ तो हम ज्यादा करते हैं, तो इसके साथ 15 ऐड करके ये 65 आ जाएंगे, और अगर टू स्टैंडर्ड डिविएशन पे लेके आए तो इसके साथ और 15 ऐड करके ये 80 आ जाएंगे, और अगर 15 स्टैंडर्ड डिविएशन पे आ जाएं तो ये हमारे साथ आ जाएंगे 95। अगर इस तरफ आएंगे तो रिडक्शन करेंगे, तो 15 से इससे 50 से 15 माइनस करके यहाँ पे आएंगे हमारे साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में 35, फिर सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में 20, और एक्सट्रीम या थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन पे हमारे साथ आ जाएंगे 5, ठीक है। सो दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यू कैन सी के ये 50 हमारा मीन हो गया, और इसके अराउंड जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो एक एक्सट्रीम पे एक बंदे ने 95 लिए हुए हैं, और दूसरे एक्सट्रीम पे एक बंदे ने 5 लिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट परसेंट। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम वी कैन सी कि अगर हम 35 टू 65 ले लें तो इतने मार्क्स बहुत ज्यादा बच्चों के होंगे, दैट इज 68%, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम जो है अराउंड द 50 डिस्पर्शन किसकी है, 68% या 65 मार्क्स वालों की है या 35 मार्क्स वालों की है। अगर हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें 80 तक और 20 तक, तो हमारे साथ इस रेंज में स्टूडेंट्स और भी ज्यादा हो जाएंगे, एंड देट बिकम्स 95%। और अगर हम ये 5 वाला भी काउंट करें और यहाँ से 95 वाला टॉपर भी काउंट करें, तो इन सबको अगर हम वो एड अप कर ले तो हमारे साथ आ जाएंगे 99.7% पॉपुलेशन पूरे का पूरा आ जाएगा इसमें, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो आगे एक एग्जांपल में हम एक्सप्लेन कर। नाउ एग्जांपल नंबर 2 इज ड्यूरिंग अ सर्वे कंडक्टेड इट वाज फाउंड दैट द पॉपुलेशन विद द मीन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसका वो है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका क्या है 10। सो क्वेश्चन आपका है कि व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी हैविंग डायस्टोलिक बीपी बिटवीन 80 एंड 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो वंस अगेन लेट्स ड्रॉ द गॉसियन कर्व, ठीक है, इसका मीन ड्रा कर लेंगे बीच में, और जो मीन ब्लड प्रेशर है हमारे साथ वो है डायस्टोलिक 80, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, हमने थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन काउंट कर लिए, तो वन स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ आ जाएगा, हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, तो अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा 90, और 10 ऐड कर ले तो आ जाएगा 100, और 10 कर लेंगे तो आ जाएगा 110। अच्छा, इस तरफ आए तो 70 आ जाएगा, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन पे आए तो 60, और अगर थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन पे आ जाए तो 50 आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है इन लोगों ने कि अगर आप लोग हमें वो परसेंटेज बताइए जो 70 और 80 के बीच में है, तो हम पहले अपना गॉसियन कर्व ले लेंगे कि ये हमारा हो गया 68% वन स्टैंडर्ड डिविएशन में, तो हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ, तो 68 को हम 2 में डिवाइड कर लें तो ये हमारे साथ बन जाएगा 34 जो है वो बिटवीन 80 एंड 70 आ जाएंगे, और जो
बाकी 34% है वो हमारे साथ आ जाएंगे बिटवीन 80 एंड 90। तो अगर क्वेश्चन में हमसे सिर्फ यही पूछा हो कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन 70 एंड 80, सो आवर ऑल आंसर इन विल बी 34%। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि 80 प्लस माइनस 10 रेंज में कितने आते हैं, तो प्लस माइनस 10 रेंज में एक साइड पे इसके 70 आता है, दूसरे इसके 90 आता है, तो ये सारा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को कवर करता है। देन आवर आंसर विल बी 68%। एंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ठीक है, और एग्जाम में मेनली बीपी पे ही पूछते हैं। तो नाउ लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल। अच्छा, ये कहते हैं कि एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन इज 5 फीट, ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.5। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग द हाइट 4 to 6 फीट, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, वही गॉसियन कर्व पहले ड्रॉ कर लेंगे और उसका यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसका मीन, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक्स बार से। अच्छा, इसका वन स्टैंडर्ड डिविएशन ये हो जाएगा 1 SD, टू स्टैंडर्ड डिविएशन ये हो जाएगा और थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन ये हो जाएगा। अब मीन हमारे साथ क्या है, 5 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 0.5। तो 5 के साथ 0.5 सम अप करो तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ जाएगा, 5.5, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 6, और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 6.5। इस तरफ आए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 4.5, सेकंड आ जाएगा 4, और थर्ड आ जाएगा 3.5। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि बिटवीन द 4 एंड 6 हमारे साथ कितना परसेंट पॉपुलेशन है। तो होप यू कैन नाउ कैलकुलेट इट कि हम ये 4 ले लेंगे जो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन पे आता है, और यहाँ पे 6 ले लेंगे जो कि सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन पे आ जाता है, और हमें पता है कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे हमारे साथ 95% पॉपुलेशन होता है। एंड दिस इज योर आंसर। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसियन कर्व, एंड आई होप यू कैन सॉल्व इन एग्जाम द क्वेश्चंस वेरी इजीली यूजिंग दिस मेथड। और बाकी ये केस का अपना एक फार्मूला भी है जो कि तनवीर नोट्स में मैंने उससे एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेज, ठीक है, जो सिंपल तरीका है आपने एग्जाम में वही अप्लाई करना है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।